बस्ती से रत्नेश्वर मिश्रा की रिपोर्ट। प्रदेश में लगातार फर्जी शिक्षकों का हो रहा है भंडाफोड़। प्रदेश में लगातार फर्जी शिक्षकों का मामला सामने आ रहा है, जिसको लेकर योगी सरकार ने सभी शिक्षकों से जांच के आदेश भी दिए हैं। वहीं बस्ती में भी फर्जी प्रमाण पत्र के नाम पर नौकरी कर रहे 6 शिक्षकों का मामला सामने आया है। इसमें कार्रवाई करते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अरुण कुमार ने सभी 6 शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया है। बीएसई ने बताया कि जांच में सामने आया कि इन सभी ने फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नियुक्ति हासिल की थी। अब इनकी सेवा समाप्ति के साथ ही संबंधित ब्लॉक के डीईओ को प्राथमिक दर्ज कराने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही वेतन की वसूली की कार्रवाई भी की जाएगी। दरअसल इस फर्जीवाड़े का खुलासा पैन कार्ड के जांच के दौरान सामने आया। पूरे प्रदेश में पैन कार्ड की जांच के दौरान असली शिक्षक के पैन कार्ड पर किसी और के भी नौकरी करने के मामला प्रकाश में आया था। बस्ती में भी ऐसे ही सहायक अध्यापकों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके नाम पर बस्ती जिले में फर्जी तरीके से कोई और नौकरी कर रहा है। शिकायत के बाद बीएसए अरुण कुमार ने टीम गठित कर जांच बैठा दी। जांच के दौरान शिकायत सही पाए जाने पर नोटिस जारी किया गया, जिसके बाद से ही फर्जी शिक्षक गायब हो गए। बीएसए अरुण कुमार ने बताया कि बर्खास्त होने वाले सहायक अध्यापक जिले के बनकटी, गौट, कुदरहा, सलसोआ व हरिया में कार्यरत थे। इसमें सतीश प्रसाद प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय गुलरिहा सेमरा ब्लॉक बनकटी, विपिन कुमार सहायक अध्यापक पूर्व माध्यमिक विद्यालय कटिया ब्लॉक गौर, प्रियंका चौधरी प्रधानाध्यापिका प्राथमिक विद्यालय कबरा खास कुदरहा ब्लॉक, राणा प्रताप सिंह सहायक अध्यापक पूर्व माध्यमिक विद्यालय बानपुर कुदरहा ब्लॉक, ध्रुव नारायण सहायक अध्यापक बड़ेया सरगहा सलसोआ ब्लॉक और मालती पांडेय प्रधानाध्यापिका बड़हर कला विकास खंड हरिया को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है। बीएसई ने बताया कि जांच में सबके अभिलेख फर्जी मिले हैं। इन सभी फर्जी शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया है, साथ ही मुकदमा दर्ज कराने और वेतन रिकवरी का आदेश दे दिया गया है। जो जांच में जो फर्जी शिक्षक पाए जाते हैं, जो शिकायत उनको प्राप्त होती है या जो फर्जी होते हैं, जिनके डॉक्यूमेंट फर्जी होते हैं, उनको हम लोग तत्काल जनरेट कर लेते हैं और उनकी जो धन की वसूली और एफआईआर की कार्रवाई की जाती है। तो अभी हाल में कितने आपने शिक्षक ऐसे पाए हैं कि जो अभी पिछले दिनों लगभग 6 ऐसे शिक्षक पाए गए थे जिनकी जांच में ये गलत पाया गया, उनको टर्मिनेट कर दिया गया है, उनकी वसूली की और एफआईआर की कार्रवाई की जा रही है। सर, जनपद में कुछ ऐसे शिक्षक उनका पेपर जो है डॉक्यूमेंट इलीगल पाया गया है या छानबीन चल रही है, क्या कार्रवाई चल रही है, क्या जाँच हो रहा है उसमें? जिनकी शिकायत प्राप्त हुई है, हमको शिकायत प्राप्त हुई है, उनके हम लोग फोन करके अगर कोई लीगल पाए जाते हैं, जितने लीगल अभी तक पाए गए हैं उनको हम लोगों ने टर्मिनेट कर दिया है और उनकी जो वसूली है उसकी कार्रवाई करके उनकी वसूली की कार्रवाई चल रही है। और 2010 और उसके बाद के जो शिक्षक भर्ती हुए हैं उनकी 3 सदस्यीय समिति शासन द्वारा बनाई गई है, वो 3 सदस्यीय समिति उनकी जाँच करके आगे की कार्रवाई करेगी। तो सर, जैसे आगे कार्रवाई में मान लीजिए निलंबित या बर्खास्ती जो भी होता है, क्या धन की रिकवरी भी की जाएगी उनसे? बिल्कुल बिल्कुल, अगर फर्जी पाया जाता है, फर्जी नौकरी पाई जाती है तो बिल्कुल रिकवरी होगी। तो ऐसे संदिग्ध जो लगभग कितने शिक्षक हैं, तो सबकी कराई जा रही है, जाँच कराई जाए। 2010 के बाद जितनी भी भर्ती हुई है, जितने भर्ती हैं सभी की जाँच कराई जाए, सभी से वो मंगवा कर सभी के डॉक्यूमेंट्स और मंगवा लिए गए हैं, लगभग आ गए हैं, कुछ बचे हुए हैं वो भी आ जाएंगे, तो सबकी जाँच होगी, समिति जांच करेगी सबकी। अगर उसमें से जो भी, अब ये तो नहीं कि सभी पर्ची पाया जाए, जो भी अगर ऐसा पर्ची पाया जाता है तो उसके ऊपर पूरी कार्रवाई होगी।